जरिन बेटा बको हम बच्चों लोग को थोड़ी खेती सफा करने देगा अच्छा से बको हाँ जान ये लोग नीचे फेंक दो हाँ जमा करके दीदी ये खाता वाला है क्या ये नहीं खाते फेंक दो ये और इसको नहीं खाते ना कौन जैसा खाता वाला है क्या सोचा था तुम खाने का चीज का स्वाद भी नहीं जानते तो बाद में पति कैसे चुनेगा हम भी ऐसे पति चुनना नहीं जानते वापस अपना पति का गांव में दोस्त सारे बैठ के वापस अपना गांव आए दीदी आप लोगों का बीच में कुछ हुआ था क्या अभी हम तुम लोग को क्या बताएगा तुम लोग कहाँ समझेगा तुम लोग अभी छोटा हो दीदी बताओ ना हाथी का क्या हुआ था दीदी प्लीज बता ना आपका खाने सुनकर हम लोग का भी थकान दूर हो जाएगा ठीक है अगर ऐसे बात है तो मेरा शादी तब हुआ था जब मैं आप उससे बस थोड़ी ही बड़ी थी मुझे उस समय कुछ भी पता नहीं था शादी वादी क्या होता है और मैं एकदम मासूम थी शादी के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था उस समय हमारा गांव में मसामसो का मुलाकात हुआ था ये गांव हाँ दिन क्या जल्दी वापस आ जा मम्मी आपका दाव ले जाएगा होगा ले जाओ दा दे मत देखो हाँ हाँ होगा अनेम का पापा अनेम का पापा का घर में जाके आया तो अलग माँ बताया है अनेम एक तो लड़का का साथ प्यार कर रहे बोल के सुना है ऐसे है क्या इतना छोटा सा लड़का प्यार करेगा तो कहाँ होगा आप कुछ कीजिए आदमी लोग तो बदनाम करने के लिए ऐसे भी बोल रहा होगा ऐसे तो कहाँ बोलेगा कुछ तो है हमको तो बहुत गुस्सा लग रहा अनेम को आने दो तुम लोग ज्यादा हला मत करो बिना सच्चाई जान के अनेम इतना छोटा उम्र क्यों हला नहीं करेगा एक ना एक दिन तो शादी होना ही है
हाथ मांगने के लिए आदमी भेज नहीं दो। हम तो नहीं मानेगा, अनेम तो इतना छोटा है, हम तो नहीं मानेगा। तो हम दोनों शादी कर लेगा ना? अभी हम दोनों को प्यार किया वाला 2 महीना तो पूरा हो ही गया। हाँ, वो तो है। और कल में या तो परसों में हम हाथ मांगने के लिए आदमी भेज देगा। होगा, फिर जो प्यार किया तो शादी भी कर लेगा। हम आपका बिना नहीं जी सकते। और हम भी तुम एक ठू लड़का से प्यार करते है बोल के सुना है। कौन बोला है मम्मी आपको? हेलो माँ बताया, इतना छोटा बच्चा से लड़का को प्यार करके क्या खाएगा जिंदगी में, बताओ जल्दी बोलो जल्दी। मम्मी प्लीज मान जाओ ना, हम उसी को प्यार करते हैं और उसी से शादी करेगा। तुम इतना छोटा बच्चा से शादी करेगा तो क्या खाएगा? हाँ हम उसी को पसंद करते हैं और उसी से शादी करें। मम्मी मान जाओ, मम्मी मान जाओ। होगा ठीक बेटी। मान ठीक है ना? हाँ ठीक है। रास्ता में कुछ तकलीफ तो नहीं मिला? ऐसा तकलीफ तो नहीं मिला, बढ़िया से यहाँ पहुँचा है। अच्छा, आप लोग भी ठीक है ना? हाँ ठीक है, अभी तक जहाँ में ठीक है। ठीक है जय मेहमान। आज अभी 2 टाइम हो चुका है, अभी 2 बार आना जाना हुआ, अभी 2 बार हमें यहाँ आया है। तो जो भी आपका जो बीती का जो मसाम जो मंगा है वो जो भी फैले करने से अच्छा है, वो लोग दोस्तों मिथुन और दोस्तों मैंने शोर देने के बाद हो गया, तो आपको भी वो कुछ फैसला करने से अच्छा है। अभी 2 टाइम हो गया तो क्या करेगा, आपस में प्यार हो चुका है तो देना तो पड़ेगा, लेकिन दोस्त मिथुन से तो नहीं होगा। हम लोग तो भाई भैया ज़्यादा है, तो जाति भाई, तो उसमें से हम लोग 15 मिथुन तो श्योर देना पड़ेगा, तब ही मेरा बेटी देगा। 15 मिथुन के लिए आप जो बताया है, तो मैं तो एक मिडिलमैन है, तो आपका बात तो मैं वहाँ रखूँगे, और ये आपका जो बात बता दिया ये हो जाएगा, तो वो लोग आपके ही बात के इंतजार में है वो लोग, और कब जो भी आप बोले वो लोग राजी होगा। तो ठीक है, हम लोग नेक्स्ट सप्ताह में मिथुन हम लोग आएगा, आप उसमें मैंने अब रेडी रहे, और जितना जो आपका जो किसको किसको देना उन लोग के आपका घर में इकट्ठा करके रखो, हम आ जाएंगे नेक्स्ट सप्ताह में। तो ठीक है, हम नेक्स्ट सप्ताह में मामा लोग को भी बुला देगा और भाई भैया लोग को भी एक साथ इकट्ठा कर लेगा, और शादी पार्टी भी 2 महीना में फिक्स कर लेगा। हाँ, तो उन लोग को बता दीजिए कि 20 सुअर जिंदा और मुर्दा लेके आना है, और मीट मछली टुकड़ी ये सब जितना भी हो सके उतना लेके आना है। अच्छा, आप बहुत अच्छा बात किया है, जो भी हम लोग मिसमी आपस में एक दूसरा जाति को ऐसे रिलेशन होता है, अच्छा बात है। जो भी 2 बार 3 बार आप
बात तो फाइनल कर दिया, बहुत अच्छा किया। जो मैं मिथुन बोला, जो सोर, जो मीट का टुकड़ी, वो सब आप बता दिया, ये तो हो जाएगा, ये फसल हो गया। और हम लोग का दो परिवार, दो जाति का भी अच्छा जो रिलेशन होने का जगह में कोई ऐसा बीच में उल्टा पल्टा बोलने वाला भी आएगा इससे समय में, तो आप लोग नहीं सुनना है। तो ये आप लोग, हम लोग बीच में हमेशा अच्छा रिलेशन और अच्छा हम लोग आने वाला दिन अच्छा चलेगा और अच्छा होगा। अभी तब तो बात हो गया, हम निकलता हूँ अभी। दूसरा महीना का बड़ा शादी का प्रोग्राम करना है, हम लोग भी मदद करना है। मतलब जवाई पति भी होता है और खड़े करते हैं, मैनेजमेंट भी काम करता है। जरूर आना पड़ेगा। तो कल मैं देता आया था, एनएम का शादी फिक्स कर लिया है। 15 थो मिथुन और संगोल 20 थो जिंदा और मोल्डा और मीट मछली टुकड़ी, ये सब फिक्स कर चुका है। एनएम इतना छोटा में कैसे पति का घर में बिठेगा, हम वही चिंता लग रहा है, उसका जिंदगी क्या होगा। कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो ना। होगा, ठीक है। यार तुम मुझे पकड़ के दिखाओ, तुमको पकड़ने में क्या है, पकड़ के दिखाओ। तुम अभी मत खेलो, आओ थोड़ा मदद करो, बुक दो। होगा, ठीक है, ठीक है। दीदी इस दिन का कहानी वाला सुनाना। आपका शादी फिक्स होने के बाद क्या हुआ था? पिताजी को लगा था कि हम दोनों प्यार करते हैं तो हम दोनों खुश रहेगा, लेकिन मेरा किस्मत ही खराब था शायद। हमारा शादी के एक साल के बाद मसामसो हम ये सरसरा में शादी करेंगे सोचना। हाँ, बट मिशमी नेम तो उपाय नहीं ना, बहुत ज़्यादा मिथुन मांगता है। कितना दिया है? हम शुरुआत में ही 15 थो दिया। 15 थो देने के बाद में फिर मांगते गया अभी टोटल 20 तो हो गया। ओ, इतना ज़्यादा। हाँ, मांगने तो देना पड़ता ना, उपाय नहीं। उस दिन में भी एक थो मिथुन ले गया और अनेम अभी भी उसका मामा का घर में पूजा हो रहे बोल के बता रहे हैं, और वहाँ में सुअर और मीट टुकड़ी लेके गया मैंने। तो होगा, अभी हम जाएगा ना। हाँ होगा, अच्छा सा जहाँ। और मिथुन का बदली में कुछ पैसा या कुछ सामान भेजा होगा अनेम का मामा लोग, तो जाएगा ना। हाँ होगा, अच्छा सा जा। तो हम जाएगा ना, अभी पैसा बाद में देगा ना। मसमसो तो नहीं होगा, पैसा तो बाद में देगा देगा बोल के नहीं देता, अभी बहुत ज्यादा हो गया। ऐसे है क्या? ऐसे तो ठीक नहीं है ना। कोई तो अभी तो नहीं देगा, अभी से नहीं देगा। आ गया तुम, घर सर पूरा खाली है, घर में सो और दाना भी थोड़ा भी नहीं है, कितना घूमते रहते घर में बैठते ही नहीं। मामा लोग ने क्या दिया? हाँ, पैसा दिया? ये सब तो लड़का का काम नहीं है ना, अगर ये काम हमको ही करना है तो तुमको शादी क्यों किया? क्या सब लड़के का ही हाथ है क्या? तुम्हारा पास हाथ नहीं है क्या? तुम्हारा पास भी दो हाथ है, मेरा पास भी दो हाथ है, तो समय में तो है, बराबर काम करना चाहिए, लड़की हो या लड़का हो। तुम चुप करो, ज़्यादा हल्ला मत करो, लड़की हो क्या? बता, तो दुलाना चाहिए ना, पूरा घूमना।
पानी भी खराब है तुम ज़्यादा हलामा कर रहे इतना सारा मिथुन ले गया तुमको ममाला पूजा में कुछ दिया है कुछ लेके आए है दिमाग खराब करता है तुम क्या हमेशा ये बात पूछते रहते हैं कुछ भी नहीं दिया ममाला भी बीमार हो गई पूजा के मतलब कहाँ से पैसा लाएगा तब तो तुम भी चला जाओ शुरुआत से हम देते आए हैं कहाँ गए तो नहीं हम यहाँ पे पैसा रख रहे तो नहीं है तो घर में तो कोई भी नहीं आता है हमने पैसा नहीं लिया तो कहाँ गए हमको क्या मालूम कहाँ में रखा है वहाँ में जो है बीमार है उसको थोड़ा भेजेगा सोच रहा था तुम ही लिया होगा दिन दिन दारू पीते रहते हैं तो दिमाग खराब मत करो हम कब पैसा लिया तो कौन लेगा घर में कौन आता है हम उल्टा पड़ोसी में हम दौड़ करके पी के आए तो भरोसा नहीं तो जाके पूछो अच्छा काम करके नस्ल हम पूछने जाएगा हमने पैसा चोर नहीं किया तो कौन लिया है हमको क्या मालूम कौन लिया है तुम जगह हल्ला करते हाँ जितना रो सकते रो हम पीते रहेगा दिमाग खराब मन खराब सब पैसा हमको चोर बोला हमको दारू पीने वाला बोला है दिमाग खराब तेरा भाई भैया लोग हमको लूट लूट के मिठुन मांग मांग के पूरा परेशान कर दिया दिमाग खराब मत कर रो जा हाँ दिमाग खराब रो जा ना दिमाग खराब कर हमको चोर बोलता है कब चोर किया गरीब सुना लो दिमाग खराब हमको चोर बोलता है बेकार ना पति पर मिठुन बेकार में 15-20 तो दिया है जितना कमाई है सब उसी में चला कुछ बिजनेस करेगा सोचा था और हमको कुछ नहीं मिलता है अभी तो हम उसको छोड़ के दूसरा लड़की शादी करेगा मेहमान तो ठीक है ना हाँ ठीक है घर पर कोई बीमारी माल तो नहीं है ना वैसे तो अभी तो वैसे तो नहीं है कोई बीमार से माल तो नहीं है अरे हम चाय लेके आओ कहाँ गांव से आए हैं गांव से आए ठीक है ना ठीक चाय चीनी भी नहीं है फीका चाहिए जुना एक मिठुन चाहिए था हो सकने से थोड़ा जल्दी चाहिए था नया शादी किया है ओ हम भी जुमा लोग को बोड़ के देखेगा अभी फिलहाल तो मेरा पास तो नहीं है एक भी एक दो जुआ है मेरा भी तो उन लोग को बोड़ के देखेगा शायद एक दो महीना में मिलेगा होगा तब हम दे देगा हाँ हो सकने से थोड़ा जल्दी देने से ठीक जितना जल्दी हो सके हम भी उन जुआ लोग को बोड़ के देखेगा ठीक हाँ कल भी मिथुन मांगने आया है तेरा भाई लोग अभी हमसे नहीं होगा इतना सारा मिथुन हम दे चुका है पहले से अभी हमसे बिल्कुल नहीं होगा सुबह शाम तुम क्या यही बात बोलते रहते हैं बोलेगा क्योंकि हमको भी मिलना है ना हमको भी रुपया चाहिए ना हमको भी वहां से कुछ मिलना है ना साला गरीब साला लोग साला दिमाग खराब मत करो चुप जा बोलो पैसा दे दूंगा दिमाग खराब चला जाओ ये मिथुन मंदिर वाला नेता वाला अभी
ये दोनों का क्या होगा, हर सुबह शाम झगड़ा करते रहते हैं, क्या होगा वो? तुम चला जाओ, अपना सामान जाओ, अभी जाओ, यहाँ मत बैठो। अभी इस सब बात को याद करके तो दुख ही लगता है हमको। दीदी आपको हमेशा पीता है, इसलिए वापस गाँव आ गया। हाँ हमेशा पीता था और उसने गाने भी पीना शुरू कर दिया। इस बार तो क्या बोलेगा ना, मेरा आने भी थोड़ा थोड़ा तो इलायची बनाया था, लेकिन क्या करेगा, पूरा बाकी इकानी का बाकी में चला गया। इलायची का दाम ही नहीं है, इलायची का दाम थोड़ा बढ़ने से अच्छा होना था। हाँ भाई, तो 12 तक पढ़ा था ना? हाँ। आजकल क्या कर रहा है? कुछ नहीं है, क्या करें। तुम यहाँ का नहीं पी रहे? हम कहाँ कहाँ ढूंढ रहे, कितना बार बोला है कहीं मत पियो, पीना था तो घर में बना के पियो ना, दूसरा का घर में क्यों पी रहे, कितना बार बोला है कहीं मत पियो। ओए बुरी, तुम जरा हल्ला मत करो, यहाँ भी आ गया, दोस्त लोगों से हमें ज्यादा शर्म मत खिला रहे, जाओ जमा खड़ा करो। कितना लेट सो रहा, अभी घर में बस गया, जल्दी उठो, नहीं सुना है? हाँ सुबह शाम सोते रहते, जल्दी उठो, कितना सोते रहते, जल्दी उठो, घर में बस गया अभी। मुसा लोग तो कहाँ 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 जाके काम करके आ जाता होगा, तब तक सोते रहते, नहीं सुना है? आज तो जवाब भी नहीं है, क्या खाएगा? सिर्फ 500 है, इससे तो जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, बाद में बच्चा बीमार होने से क्या करेगा? आज तो खाने पकाने के लिए भी नहीं हो। अनम, आज तो खाने पकाने के लिए भी नहीं है, तो खाने लाओ। 500 ही है। ये दादा खाने दो, बोला है ना, ये लो, हम ये कानी खरीदते जाएंगे, कानी नहीं है, बहुत बीमार हो रहा है, जाओ जहाँ जाना जाओ, हम कानी खरीद देंगे। तुम क्या हमेशा अपना कानी पीने के लिए सोचते रहते, मेरे पास तो 500 ही था, क्या सा खाएगा, चावल भी नहीं है।
जो करने को हम तो 500 रुपया से कानी दो बोला कानी दिए ना 500 रुपया से कानी खरीद के पिएगा पिएगा मेरे पास कानी नहीं है तो सब तेरा पेट भरता होगा ना हम दोनों का क्या होगा हम दोनों तो तेरा जैसा तो कानी तो नहीं पीते ना हम नहीं जानते क्या हम नहीं जानते किसी का पेट भरता कितने भरता हमको कानी पीना है सिर्फ ऐसे जिंदगी तो हम कैसे बैठेगा हम तो चला जाएगा सच में वो जाओ 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 जहाँ जाना है जाओ पहले से जाओ बोला जाओ जहाँ जाना है जाओ तो सच में चला जाएगा जाओ 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 हम दूसरा शादी कर लेगा जाओ अच्छा लड़की खानदान अच्छा खानदान से शादी करेगा अमीर लड़की शादी करेगा जाओ जाओ अभी तो सच में चला जाएगा हमेशा जहाँ जाओ बोलते ना देख लेगा तुम अकेला बैठ सकते हो बैठ के लिखा कितना अच्छा लड़की मिलता है शादी करके देख जाओ 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 अरे जाओ ना जाओ बोला जाओ ना हमेशा खुद खाने के लिए सोचते हैं चले जाओ ना अरे दिमाग खराब पति का क्या होगा बेटा का क्या होगा वो तो नहीं सोचते अब तुमसे कितना अच्छा अच्छा लड़की मिलेगा कितना खानदान अच्छा वाला मिलेगा कितना अमीर वाला मिलेगा खुद पीने के लिए खाने के लिए वही सोचते जाओ 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 पहले दारू पीते थे ना ऐसे होता अरे जाओ ना दिमाग मत जाता ना जाओ ना सच में जाएगा हम तो चला जाओ तब तो बहुत खराब है मेरा पापा अभी कानी पीता है लेकिन ऐसे तो नहीं करता अभी तो आप क्या चिंता करना है अभी तो आप अपना गांव में हाँ अपना गांव तो आ गया पर मेरा बेटा का क्या होगा हमको तो वही चिंता लगता ना अपना घर है ना जमीन है क्यों अपना गांव ही तो है हम लोग का समाज में शादी होने के बाद लड़कियों को जमीन का हक नहीं दिया जाता हमको वही बहुत खराब लगता है दीदी आप भैया को मांगे देखो हम भैया से तो नहीं मांगेगा ईटानगर में अरुणाचल प्रदेश स्टेट कमीशन फॉर वुमेन ऑफिस में जाके हम उनसे जस्टिस मांगेगा वही हमको जस्टिस दिलाएगा और मेरा आखिरी उम्मीद वही है ठीक है हम लोग को पूरा उम्मीद है आपको ज़रूर जस्टिस मिलेगा हाँ जस्टिस तो मिलना चाहिए उसने हम मेरा सब कुछ गलत किया और हम होते हुए दूसरा पत्नी ले लिया हम जस्टिस तो लेके रहेगा आखिर मेरा भी एक बेटा है